मदर ऑफ इन्वेंशन, कोई भी चीज अगर इन्वेंट हो रही है तो उसकी जरूरत के कारण हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि भाई बायोटेक्नोलॉजी की क्या जरूरत पड़ी, ठीक है, अब देखो ये जो साइंस है, ये जो स्ट्रीम है, ऐसा नहीं है कि इट इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रेसेस या फिर सिर्फ ह्यूमन बींग से लिमिटेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन प्लांट्स में भी हम इसके एप्लीकेशन देख सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे भी बहुत यूज हो रही है, मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत यूज है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम यही देखेंगे कि एक्चुअली ये साइंस है क्या, और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। समझ में आ रही है, ठीक है। तो बायो टेक्निक का यूज करके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से हम क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, देखिए बहुत पहले से आपको अच्छी तरह पता है कि हम अब ह्यूमन जो है अपने बेनिफिट के लिए, अपने खुद के पर्पसेस के लिए बहुत पहले से वो माइक्रोब्स को भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स को भी यूज़ कर रहे हैं, इवन वी डिपेंड ऑन एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है। अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करूँ, देखो फूड जो है, फूड हम कंज्यूम करते हैं प्लांट्स, मेनली वी डिपेंड ऑन प्लांट्स, बट जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, ठीक है, डिमांड जो है वो इंक्रीज होने लग गई, ठीक है, अब चीज़ें तो उतनी ही लिमिटेड है, ग्रो तो कर रही है, बट पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है, उस नंबर से प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं हो रहा ना, उस स्पीड से। तो अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन की डिमांड को कवर करने के लिए क्या किया, साइंस जो है वो धीरे धीरे, पहले सिर्फ हम प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे थे फूड के लिए, फिर हम एनिमल्स पे भी डिपेंड करने लगे, दैट मीन्स वी स्टार्ट कंज्यूमिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली डेयरी प्रोडक्ट्स, कुछ होते हैं जो आपको अच्छे पता है नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो फ्लैश ईटिंग होते हैं, तो वो इसलिए भी एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हैं। फिर मैं अगर बात करूँ लाइफ स्टॉक की, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर में